अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। कोविड की वजह से स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू गो टू स्कूल्स और इस सडन लॉकडाउन की वजह से स्कूल और कॉलेजेस कोई अल्टरनेटिव वे नहीं ढूंढ सके जिसके थ्रू स्टूडेंट्स क्लासेस अटेंड करते हैं। नाउ कॉलेजेस आर गोइंग टू ओपन आफ्टर 6 to 7 months, सो इट सीम्स इम्पॉसिबल टू कवर द रिमेनिंग सिलेबस टिल द फाइनल एग्जाम्स। इसको मद्देनजर रखते हुए बोर्ड हैज डिसाइडेड टू स्किप सम चैप्टर्स फ्रॉम सिलेबस और इस मॉडिफाइड सिलेबस को स्मार्ट सिलेबस का नाम दिया गया। सो लेट्स सी व्हाट मॉडिफिकेशन डिड दे डू इन योर सिलेबस। फर्स्ट पे है लिटरेचर यूनिट फॉर टेक्स्ट रीडिंग, उर्दू ट्रांसलेशन, कंप्रेंशन, वोकैबुलरी, स्पेलिंग एंड समरी, प्रोज पोएट्री। ओके, तो टोटल आपके 14 चैप्टर थे जिसमें से उन्होंने अब आपके सेलेक्टिव करके रिड्यूस करके 8 चैप्टर कर दिए। और आपकी स्मार्ट सिलेबस में उन्होंने जो आपके चैप्टर इंक्लूड किए हैं वो चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5, 9, 11, 13 and 14। यहाँ पे प्रोस से मुराद आपकी स्टोरीज हैं। देखा जाए तो नंबर 1 पे आपका चैप्टर बनता है हस हदीजा रजी तला अन्हा, नंबर 3 लुशियन एंड इट्स इम्पैक्ट, नंबर 4 द गोल्डन टच, नंबर 11 पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इम्पैक्ट, नंबर 13 फेमस फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड। पोइट्री है तो पोइट्री में आपकी पोइम्स आ जाएंगी, तीनों पोइम्स इंक्लूड की गई हैं। नंबर 5 पे आपकी पोइम है फर्स्ट थैंक्स फॉर एवरीथिंग, नंबर 9 पे आपकी सेकंड पोइम है मदर्स एंड अदर्स, नंबर 14 पे आपकी थर्ड पोइम है बेटर वाइजर एंड हैप्पियर। And you will do each and everything which is included in these chapters like translation, answer question, glossary, missing letters or grammatical question. Next portion, grammar, activities in the whole textbook and grammar book which includes words of speech, punctuation, tenses, English translation, voice. Okay, first of all, parts of speech. All parts of speech discussed in all units of textbook and English grammar. It's mean कि आपकी English B पे जो आपके parts of speech दिए गए हैं वो भी आपने सारे करने हैं और जो आपकी English A में दिए गए हैं आपके chapters के end पे जो grammatical portion है उसमें भी आपके parts of speech उन्हें include किए हैं वो भी आपने सारे के सारे prepare करने हैं। Okay, next punctuation. All punctuation marks discussed in all units of textbook and English grammar. Now you will say that punctuation आपके सिलेबस में नहीं है but आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके लास्ट वाला पोर्शन जो 5 मार्क्स का है उसमें आपकी ये पंक्चुएशन ऐड हो सकती है। ये आपने इंग्लिश बी की बुक से भी करनी है और आपने इंग्लिश ए के जो चैप्टर्स के एंड पे ग्रामर वाला पोर्शन है वहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पे भी आपकी पंक्चुएशन दी गई वो भी आपने तैयार करनी है। नेक्स्ट टेंसेस, all tenses discussed in all units of textbook and English grammar. It's mean कि आपके English A में और English B में जितने tenses दिए गए हैं वो सब आपने prepare करने हैं। Next, English translation. All exercises on English grammar from page 75 to 95. Okay, ये आपका second last question number 8 जहाँ पे आप उर्दू से English translation करते हो ये आपने सारे tenses तैयार करने हैं। Okay, next voice. It's mean passivization. All exercises given in all units of textbook and English grammar. It's mean कि आपके English B में page number 104 to 112 यहाँ तक आपने passivization तैयार करनी है और आपके English A में chapter number 4 के end पे जो passivization दी गई है वो भी आपने prepare करनी है। Next portion है composition, application letters, stories. Okay, next applications. टोटल आपकी 8 एप्लीकेशन थी जिसमें से उन्हें रिड्यूस करके आपको 6 एप्लीकेशन दे दिए हैं और वो एप्लीकेशन हैं फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, फॉर फी कंसेशन, फॉर एडमिशन इज हिन और हर इंस्टीट्यूशन, फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट, फॉर लीव टू अटेंड अ सेरेमनी, फॉर परमिशन अ स्कूल विजिट। बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपकी एप्लीकेशन नंबर 1, 2, 3, 7, 8। ओके, जो लास्ट वाली आपकी एप्लीकेशन है फॉर परमिशन ऑफ स्कूल विजिट ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है।
next letters. Letter to your father asking him for money to buy new books. Younger brother to tell him about the importance of games. Friend to condole him or her on his or her mother's death. Father informing him about your studies. Mother asking about her health. Friend inviting him or her on your birthday party. Brother advising not to waste his time. Okay, next आपके 13 letters थे जो कि reduce होके 7 हो गए हैं. According to your English grammar, it will be like number 1, 6, 7, 8, 10, 11 and 13. Last पे आपकी moral stories हैं जो कि 15 थी और reduce होके 9 हो गई हैं. These moral stories you will do. Pride hath a fall, union is strength. Necessity is the mother of invention, be aware of letters. Do good, have good, be aware of fair weather friends. Art that glitters is not gold. Honesty is the best policy. Tit for tat, haste makes waste. अगर आप English B की book देखी जाए तो it will be like 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12 and 15. According to your paper pattern, आपको चॉइस दी जाती है either आप application or letter या फिर moral story लिखो. So it's best way to focus on one thing instead of three. अगर देखा जाए तो इसमें comprehension add नहीं किए गए जो कि आपके syllabus में include हैं. Total आपके 20 comprehension हैं, 3 आपके solved comprehension हैं, while 17 आपके unsolved comprehension हैं. तो total आपके 20 comprehension बनते हैं, तो वो आपने सारे करने हैं.